जल्दी गर्भधारण के लिए डाइट प्लान, हार्मोनल इम्बैलेंस दूर करने के लिए घरेलू तरीके, एग क्वालिटी बढ़ाने के लिए डाइट प्लान, स्पर्म पैरामीटर, स्पर्म काउंट को इम्प्रूव करने के लिए डाइट टिप्स, या फिर यूं कहें कि गर्भधारण के लिए जरूरी स्टेप्स क्या हैं, तो आज 5 पॉइंट्स में बहुत इजी तरीके से चीजें आपको मैं समझाने वाली हूँ। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब सहेली चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फर्टिलिटी टिप्स, मेनली डाइट टिप्स। एक महीने में गर्भ धारण करना है तो क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो 5 चीजें जो घरेलू हैं बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं। इसके बिना कोई भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होता। हार्मोनल इंबैलेंस को ठीक करना है, इक्वालिटी इंप्रूव करनी है, स्पर्म पैरामीटर इंप्रूव करने, कपल को अपने डाइट प्लान समझना है, तो ये ही 5 पॉइंट्स आपके शुरुआती चरण होते हैं। लेकिन ये क्या है, आइए हम इनको समझते हैं। इससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर हंड्रेड्स में वीडियो हैं जो कि आपको अपनी फर्टिलिटी जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, तो उन्हें आप जरूर देखें। फ्रेंड्स, 5 महत्वपूर्ण चीजें, उसका रोल भी आपको समझना है। जैसे आयरन है, आयरन हार्मोनल इंबैलेंस के लिए जरूरी है और एग की मैच्योरिटी के लिए, ओव्यूलेशन के लिए जरूरी है। विटामिन बी, स्पेशली B12, ये ओव्यूलेशन के लिए, एग्स की मैच्योरिटी के लिए, हार्मोनल इंबैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। कैल्शियम और विटामिन D3 है, ये इम्प्लांटेशन, यूट्रस की मजबूती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई, ये स्पर्म को एग तक पहुंचने में हेल्प करता है और फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, ये एग की क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, सर्वाइकल म्यूकस को प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं और फर्टिलिटी में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन इसको घरेलू चीजों से कैसे खाएं, ये सारी चीजें आज हम आपको समझाने वाले हैं। आयरन के लिए आपको टमाटर, पालक, पत्तेदार चीजों को अपने डाइट में शामिल करना है। चाय कॉफी कम करनी है। चाय कॉफी अगर पियेंगे तो आयरन युक्त चीजें भी अगर आपने खाई हैं तो वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो यूरिन के थ्रू बॉडी से निकल जाएगा। अब बात आती है विटामिन B12 की। यहाँ प्रॉब्लम है हमारे मेनली इंडियन पॉपुलेशन में कि हमारा आहार शाकाहारी है, फूड हैबिट्स जो हैं शाकाहारी हैं। तो मेनली B12 विटामिन नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में होता है। अगर आप नहीं लेते हैं तो यहाँ एक बात आपको मैं जरूर बताना चाहूंगी कि आपको एक इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट लेना है, और व्यूअर्स की बहुत रिक्वेस्ट रहती है कि एक ऑथेंटिक अच्छा सप्लीमेंट आप बताएं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी फाइटिका Beta-365। इसकी खास बात क्या है, फाइटिका Beta-365 में आपको कई सारे विटामिन मिलते हैं, विटामिन ए, सी, डी, ई, के, मिनरल्स भी मिलते हैं। इसके अलावा कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं और कुछ ऐसी हर्ब्स मिलती है जो स्ट्रेस को मैनेज करती है, जैसे कि गिनजिंग, अश्वगंधा, जो कि फर्टिलिटी को बूस्ट करता है। तो इसको मेल और फीमेल दोनों ही ले सकते हैं। ओव्यूलेशन को प्रमोट करने वाले, हार्मोनल इंबैलेंस को दूर करने के लिए सारे जरूरी विटामिन और मिनरल इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अंदर प्रोबायोटिक भी है जो कि गट हेल्थ को अच्छा बनाता है और जो बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। आप फाइटिका Beta-365 की एक टैबलेट दिन में लंच के बाद में, ब्रेकफास्ट के बाद भी आप ले सकते हैं। आधा घंटा का गैप रखें और पानी के साथ इसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। स्टैमिना, परफॉर्मेंस, एनर्जी लेवल और न्यूट्रिशन लेवल को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल है, क्योंकि कई न्यूट्रिएंट हमारे फूड में पर्याप्त नहीं होते हैं। इसको खरीदने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप लिंक को टच करेंगे तो आप इसे परचेस कर सकेंगे। शाकाहारी लोग डेयरी प्रोडक्ट से भी कुछ मात्रा में विटामिन B12 ले सकते हैं। अगर आप एग खाते हैं तो बॉइल्ड एग आपको नियमित खाना चाहिए, अपनी डाइट में आपको उसको शामिल करना चाहिए। एग का पीला हिस्सा आप कभी भी ना निकालें, क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एग योक में होते हैं, येलो पार्ट में होते हैं, तो उसको ना निकालें। तो ये बात होगी विटामिन B12 की। कैल्शियम और D3 के लिए क्या करें, 75% इंडियंस में विटामिन D3 की कमी है। इसके लिए सन एक्सपोजर बढ़ाना पड़ेगा, वो भी सुबह का, मॉर्निंग का जो धूप होता है वो आपको बेनिफिट करेगा विटामिन डी के सिंथेसिस में, ताकि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो होता है उससे विटामिन D3 का सिंथेसिस होता है। तो सुबह के समय थोड़ा सा खुली धूप में आप निकलें, टहलें, एक्सरसाइज करें, ब्रेकफास्ट करें, टेरेस पे थोड़ा सा ओपन में रहें, ताकि 15 से 20 मिनट आपको धूप मिले। कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन रेट भी घट जाती है अगर विटामिन D3 कम होता है, और ये यूट्रस के लिए हेल्दी बात नहीं है। यूट्रस को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम विटामिन D3 होना चाहिए, इम्प्लांटेशन को सक्सेस करने के लिए और हॉर्मोन्स के बैलेंस के लिए। अब बात आती है विटामिन ई की। विटामिन ई के लिए आपको सीड्स एंड नट, जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं, चिया के सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, जो भी सीड्स के बारे में मैं अपने वीडियोस में बताती हूँ, कुछ 6 तरह के सीड्स के बारे में मैंने स्पेशल वीडियो भी आपके लिए बनाया है, तो सीड्स एंड नट्स को शामिल करें, क्योंकि विटामिन ई स्पर्म को
एनर्जी देता है ताकि स्पर्म ज्यादा समय तक जीवित रहे और एग तक पहुंचे ताकि एग फर्टिलाइज हो सके। तो सीड्स एंड नट्स डाइट में होने चाहिए, सैंडविच में डाल सकते हैं, सैलड वगैरह प्रिपेयर करते हैं उसमें डाल सकते हैं। मंचिंग का मूड है तो एक तो चम्मच सीड्स आप अलग से खा लीजिए, ड्राई फ्रूट्स को रात को सोख करके सुबह के समय खाइए। ये कुछ हेल्दी हैबिट्स हैं जो विटामिन ई आपको देंगी, जो कमी है आप सप्लीमेंट से पूरा कर सकते हैं। विटामिन सी, विटामिन सी के लिए आंवला है, नींबू है, खट्टे फल हैं, जो फ्रूट्स होते हैं उनमें काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, वो एग की क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं, एग जल्दी खराब नहीं होने देते, या जो फ्री रेडिकल डैमेज एग पर पहुंचता है उससे एग को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट हमारे डाइट में होना बहुत जरूरी है, मेनली रंग बिरंगे फलों में होता है, तो उनका आप सेवन जरूर करें। और अगर आहार आपका उतना अच्छा नहीं हो पा रहा किन्हीं भी लिमिटेशंस की वजह से, तो आप सप्लीमेंट लें और अपनी फर्टिलिटी जर्नी में आगे बढ़ें, डेफिनेटली आप सफल होंगे। इन टिप्स को फॉलो करने से आपके हॉर्मोन्स बैलेंस में आएंगे, ओवुलेशन की नियमितता बनने लग जाएगी धीरे धीरे करके। 3 महीने तक फॉलो करना बहुत जरूरी है जिससे कि बॉडी धीरे धीरे करके ट्यून हो जाती है। यूट्रस प्रेगनेंसी के लिए तैयार होगा, मसल्स में मजबूती आएगी, ओवुलेशन नियमित होगा, एग अच्छी क्वालिटी के बनेंगे और डेफिनेटली इतने प्रयास के बाद आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।